यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. क्लास फोर, आज हम पार्ट 10 पढ़ रहे हैं अपना. पार्ट 10 जो बहुत ही सुंदर कहानी बताई है, ठीक है. जिस कहानी को सुनकर हम क्या शिक्षा मिलेगी, यही शिक्षा मिलेगी कि हम भी नेक काम करके अपने आसपास के वातावरण को स्वर्ग के जैसा बना सकते हैं. पाठ का नाम है धरती पर स्वर्ग, यानी धरती पर स्वर्ग बनाना किसके हाथ में है, अपने हाथ में है. यानी हम यदि नेक काम करेंगे, भूखों पर, लाचार व्यक्तियों पर, या सभी जीवों प्राणियों पर, ऐसे मतलब जिन पर दया करेंगे हम और नेक काम करेंगे, सबके प्रति प्रेम आदर का भाव रखेंगे, तो उससे क्या है, धरती पर स्वर्ग, यानी हम अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बना सकते हैं. स्वर्ग बनाना मतलब कि अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल अच्छा बनाना. स्वर्ग मतलब, यानी स्वर्ग कैसा होता है, सुंदर होता है. तो हम भी अपने आसपास के वातावरण को सुंदर नेक काम करके ही बना सकते हैं. देखिए कहानी सुनिए. आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि वह अपने आगे किसी को नहीं देखता. वह प्रकृति से मनमानी करने लगा है. कहने का तात्पर्य यह है कि जो आज का मनुष्य है, यानी तरह तरह की तो वो खोज करने लग गया है ना, तरह तरह के आविष्कार करने लग गया, और अपने आविष्कार करने के लिए यदि प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है किसी तरह का, तो वो उसमें भी नहीं चूक रहा है ना. जैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई किए जा रहा है, वह यह भी नहीं सोच रहा है कि पेड़ आज मानव के लिए कितने जरूरी हैं, है ना. तो इस तरह क्या है, जो प्रकृति है हमारी, प्रकृति मतलब हमारे आसपास का चारों ओर का वातावरण, है ना, हवा पानी, तो ये भी क्या है, हम जो नए नए आविष्कार करते हैं तो इससे हवा पानी हर तरह का वातावरण क्या है, अशुद्ध होने लगता है. तो मानव जो है इतना स्वार्थी हो गया, अपने स्वार्थ में वह अपनी मनमानी करने लगा है. उसे अपनी सोच व आविष्कारों का घमंड होता प्रतीत होता है. मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इन मनुष्यों को, है ना, इन व्यक्तियों को अपनी सोच पर कि हमने ये आविष्कार कर दिया, हमारी ये खोज है, इससे हमारा क्या है, नाम ऊंचा होगा, हम जाने जाएंगे पूरे संसार में. तो इस तरह वो खोज कर करके, हमेशा नए नए खोज करके, उससे क्या है, खुद को क्या मान रहा है वो, मतलब उसको घमंड, ऐसा लग रहा है कि मानो उसको घमंड आ गया हो नई नई खोज करने से, ठीक है. तो मानव की इसी सोच से एक बार देवता मनुष्यों से क्रुद्ध हो गए. यानी इस तरह की मानव की जो घमंड वाली स्थिति है ना, कि वो नए नए खोज कर रहा है, आविष्कार कर रहा है, और इसके लिए चाहे तो वो प्रकृति को भी क्या है, हानि पहुंचा रहा है दिन प्रतिदिन, हमेशा, है ना, प्रकृति के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है. तो इससे देवता जो है, देवता यानी जो भगवान जो होते हैं, उनको क्या आ जाता है, हम पर क्रोध आ जाता है, यानी मनुष्यों पर बहुत गुस्सा आ जाता है, ठीक है. उन्होंने मानव जाति को सबक सिखाने की ठानी. तो फिर उन्होंने क्या निश्चय किया, जो देवता भगवान है वो क्या निश्चय करते हैं, कि ऐसे मनुष्यों को जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना, इस संसार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको क्यों ना सबक सिखाया जाए. उन्होंने ऐसा निश्चय किया. किसने, भगवान ने. तो उन्होंने दुर्भिक्ष को पृथ्वी पर भेजकर मनुष्य को सबक सिखाने का आदेश दिया. दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष शब्द आया है अकाल, यानी अकाल जब पड़ता है तो कैसे पड़ता है, अकाल पड़ता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, जब अकाल पड़ता है, अकाल पड़ने की स्थिति में क्या होता है, यानी जितने भी किसान हैं खेतों में पैदावार करते हैं, अन्न उपजाते हैं, है ना, गेहूं अनाज जितने भी है, चावल दालें आदि जितने भी अनाज है हमारे खाने वाले, है ना, तो उनकी फसल जो उपजाते हैं, तो अकाल पड़ने की स्थिति में क्या होता है, अकाल पड़ने की स्थिति में यही होता है कि जो फसलों को सबसे बड़ा नुकसान होता है, यानी कोई फसल की अच्छी पैदावार नहीं होती, जिससे मनुष्य क्या है, फिर भूख से तड़पता है, भूखे रहना पड़ता है ना. इसका प्रभाव सब पर पड़ता है, सब जीवों पर, खाली मानव पर नहीं, अन्य सभी जीवों पर, कुत्ता, गाय, है ना, बकरी, शेर, सब पर पड़ता है इसका प्रभाव, अकाल का प्रभाव. क्योंकि अकाल की स्थिति में क्या होता है, कोई अन्न जल कुछ नहीं मिलता, बरसात नहीं होती तो ना जल मिलता है, ना फसलें अच्छी पैदा होती है. तो इस तरह उन्होंने क्या किया,
अकाल को भेजा पृथ्वी पर, है ना, किस लिए? मनुष्यों को सबक सिखाने के लिए। दुर्भिक्ष ने अपना विकराल रूप धारण किया, विकराल मतलब एक भयानक रूप, है ना, जो अकाल आया था वो एक भयानक रूप लेकर पृथ्वी पर आया, ठीक है, और उसने अपना काम सारी पृथ्वी पर शुरू कर दिया। पृथ्वी पर अन्न जल का अभाव होने लगा, अभाव मतलब कमी होने लगी, अन्न जल बचा नहीं, चारों ओर हाहाकार, लाचारी और भूखमरी से असंख्य मनुष्य रोते कलपते मृत्यु के मुख में जाने लगे। जब ऐसी स्थिति होगी, अन्न जल ही ना रहेगा पृथ्वी पर, तो क्या होगा? लोग लाचार, भूखमरी, मतलब कोई काम धंधा नहीं होगा लोगों के पास, और भूख से व्याकुल, ऐसे क्या होगा, ऐसे रो रो कर बुरा हाल से लोग क्या है, मृत्यु की तरफ जाने लगे। हर ओर त्राही त्राही मची हुई थी, यानी हर ओर जो है मौत ही मौत दिखाई दे रही थी, जगह जगह मनुष्य जो है जीवन त्याग रहे थे। दुर्भिक्ष को अपने इस काम पर बहुत गर्व हो रहा था, जो अकाल इस पृथ्वी पर आया था, यानी देवताओं ने, भगवान ने जो अकाल को भेजा इस पृथ्वी पर मनुष्यों को सबक सिखाने के लिए, तो उसे भी अपनी इस माया को बिछाने में बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था, मतलब उसे भी क्या आ गया, बहुत ज्यादा अपने आप पर घमंड हो गया था। वह सोचकर प्रसन्न था कि देवता उससे बहुत खुश होंगे, वह यह सोचने लगा कि भगवान ने इसी काम के लिए उसे पृथ्वी पर भेजा है, तो भगवान उससे बहुत खुश होंगे ऐसे लोगों को मौत के मुंह में जाते देखकर, है ना। तो घमंड में वह अपने काम का मूल्यांकन करने और मानव जाति की स्थिति देखने के लिए पृथ्वी पर जा पहुंचा। अब वह घूमते घूमते पृथ्वी पर पहुंचा अपने घमंड से, कि देखूं पूरी पृथ्वी पर, देखूं मेरी माया जो बिछाई है मैंने, जो अन्न जल सब तरह का जो हाहाकार मैंने कमी करी है, मचाया है हाहाकार, है ना, विकराल भयानक रूप जो मैंने पृथ्वी पर भेजा है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा पृथ्वी पर, वह देखने के लिए वह पृथ्वी पर पहुंचा। तो पृथ्वी पर चारों ओर भयंकर विनाश मचा हुआ था, विनाश मचा हुआ था। इस विनाश के बीच दुर्भिक्ष ने एक करुण दृश्य देखा। करुण दृश्य दुर्भिक्ष ने किसने, अकाल ने। अकाल ने क्या देखा पृथ्वी पर जाकर, एक दया भरा, जिससे कि हृदय में दया उत्पन्न हो, ऐसा एक दृश्य, ऐसा एक नजारा देखा। उसने देखा कि भूख से बिलखते एक व्यक्ति को कहीं से कुछ खाने को मिल गया, यानी एक बहुत ही भूखा मनुष्य है पृथ्वी पर सामने उसको दिख रहा है, जो बहुत ही भूखा है बहुत दिनों से, और उसको कहीं से कुछ खाने को जरा सा मतलब अन्न मिल गया है, रोटी मिल गई है, तो उसे पाकर वह बहुत खुश था। उसको पाकर के वह खुश तो बहुत था, है ना, ऐसी चीज मिलेगी तो हम खुश तो होंगे ही, जिसके लिए हम तड़प तड़प के मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो वह भी क्या बहुत खुश था उस छोटे से मतलब रोटी के टुकड़े को देखकर, जो उसे बहुत दिनों के बाद खाने को मिला था। तो जैसे ही उसने उसे खाना चाहा, तभी उसके पास भूख से छटपटाता हुआ एक कुत्ता आकर बैठ गया, यानी एक दुबला पतला सा, वो भी क्या भूख से व्याकुल था, यानी ऐसा जीव जो कुछ खुद तो बोल नहीं पाता, है ना, तो कुत्ता उसके पास आ जाता है, जो भी क्या है भूख से बड़ा ही व्याकुल होता है। तो व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वह खाना उस कुत्ते को खिला दिया, यानी खुद भूखा था मनुष्य, लेकिन उसकी दया देखो, उसकी करुणा देखो, उसका हृदय देखो, कितना महान है, कितना दयालु है वो मनुष्य, जिसने खुद अपनी भूख की चिंता ना करते हुए बिना कुछ सोचे समझे जो खाने का टुकड़ा है, रोटी का टुकड़ा है, वो कुत्ते को खिला दिया और फिर शांत होकर बैठ गया। इस करुण दृश्य को देखकर दुर्भिक्ष का हृदय विचलित हो गया। विचलित हो गया मतलब विचलित, यानी बेचैन हो जाना, यानी ऐसे जब दृश्य हम भी देखेंगे तो हमारा हृदय भी क्या होगा, बहुत ज्यादा उसमें दया आ जाएगी, बहुत ज्यादा हमारा हृदय जो है बेचैन उठेगा, हमारा मन है, हृदय मतलब हमारा जो मन है वो भी तो बेचैन होगा, है ना। तो वैसे ही उस अकाल रूपी जो आया था पृथ्वी पर, तो उसने भी जब ये नजारा देखा कि मानव में सचमुच अभी भी दया है ना, तो उसका हृदय भी मन भी क्या है, बेचैन हो उठा, आंखें छलक पड़ी, यानी ऐसा दृश्य देखकर उसे भी क्या है, रोना आ गया, मतलब उसके अपने इस कारनामे पर उसको रोना आ गया कि ये सब मेरा किया धरा है, मैंने इनसे अन्न जल सब छीना है, अकाल को मैंने फैलाया इस पृथ्वी पर, और
इस सब नजारे को देखकर उसकी जो आंखें छलक पड़ी खुद पर, उसको बड़ा पश्चाताप हुआ अकाल को। दुर्भिक्ष ने अपनी माया समेटी और वापस देवताओं के पास लौट गया। जब उसको पश्चाताप हुआ तो उसने क्या किया, पृथ्वी पर से अपनी जो माया थी वो सारी समेट ली, यानी जो अकाल उसने बिछाया था चारों ओर वो सब समेट लिया, सब खत्म कर दिया और देवताओं के पास वापस गया देवलोक। देवताओं ने उससे शीघ्र लौट आने का कारण पूछा। दुर्भिक्ष ने कहा, देव मैंने वहां जाकर अपनी माया फैलाई, अनेकों मृत्यु को भी प्राप्त हुए, चारों ओर भयंकर विनाश की स्थिति थी, पर मैंने वहां सहृदयता का एक जीवंत उदाहरण देखा। जीवंत मतलब एकदम जो अपने आंखों के सामने ऐसा नजारा, यानी मनुष्य जो है अपनी भूख को भी शांत रखकर पहले रोटी जो है वो कुत्ते को खिला देता है, तो ऐसा उदाहरण मैंने, यानी करुणा भरा दया भरा जो है पृथ्वी पर देखा है मैंने अपनी आंखों से। तो यह कहकर दुर्भिक्ष ने सारी बात देवताओं को बताई। सुनकर देवताओं को भी एहसास हुआ कि आज भी पृथ्वी पर मानवता कायम है। मानवता मतलब मनुष्य के मन में दूसरे जीवों के प्रति प्रेम दया की भावना ऐसी अभी भी क्या है, पृथ्वी पर कायम है। ठीक है, दुर्भिक्ष ने कहा, धरती पर जब मैंने स्वर्ग के दृश्य देखे, यानी ऐसे दृश्य दुर्भिक्ष को, अकाल को ऐसे दृश्य क्या लगे, जो अकाल था पृथ्वी पर आया था उसको ना ऐसे दृश्य, यानी सहृदयता वाले करुणा वाले दया वाले जो दृश्य उसने पृथ्वी पर देखे थे उसको वो नजारे बिल्कुल स्वर्ग के जैसे लगे, अच्छे लगे, तो लगा मानो देवलोक में ही हूं। उसको ऐसे नजारे देखकर, यानी मानव के नेक काम देखकर, दयालु हृदय देखकर उसको लगा कि मैं देवलोक में ही हूँ, क्योंकि देवता जो होते हैं अच्छे मनुष्य होते हैं, अच्छे काम करते हैं, है ना। तो सच ही तो है, देवत्व के गुण जहाँ हो वह स्थान तो स्वर्ग समान ही होगा। यानी पाठ के अंत में क्या कहा गया है कि जो देवत्व के गुण है, यानी अच्छे अच्छे गुण है, अच्छे गुण जहाँ होंगे वो स्थान कैसा होगा, स्वर्ग के समान ही होगा। तो हम भी अपनी धरती को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं, हम भी सबके प्रति अपने मन में सदा दया का भाव रखकर और एक दूसरे की मदद कर हर प्राणी हर जीवों के साथ दया की भावना रखकर हम हमारा जीवन भी, हमारे आसपास का वातावरण भी कैसा बना सकते हैं, बिल्कुल स्वर्ग के जैसा बना सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा, सबकी सहायता करेंगे तो सब हमारी सहायता करेंगे, तो इससे क्या होगा, दुख सबके दुख परेशानी कम हो जाएंगे और हमारा धरती भी कैसा बन जाएगा, बिल्कुल स्वर्ग के समान। तो क्या शिक्षा मिली कि हम भी आज से हर गरीबों की मदद करेंगे, ऊंच नीच का भाव कभी अपने मन में नहीं रखेंगे, है ना, सबके दुख परेशानी में सबको समान लेकर चलेंगे। ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी धरती को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना सकते हैं, यानी हम नेक काम करके ही धरती को स्वर्ग के जैसा बना सकते हैं। ओके okay?